गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। पहले वाली वीडियो में हमने 13.6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.7। 13.7 में हम पढ़ेंगे कौन के वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम ऑफ कौन। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हमने एरिया भी निकाला था इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। वैसे तो मेन इसका यूज होगा वॉल्यूम ऑफ कॉन का। ये क्या किया था? पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर इंटू में एल प्लस आर। और एक स्लैनेट हाइट निकालनी हो या रेडियस निकालनी हो या हाइट निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगता है एल का स्क्वायर इक्वल में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इन फॉर्मूलों का इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। वैसे मेन आपका यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कौन ही निकलेगा, ठीक है। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कौन दे रखा है उसकी कैपेसिटी निकालनी है, मतलब वॉल्यूम निकालना है, जिसकी आपको रेडियस, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है रेडियस ऑफ कॉन गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कॉन दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना है हमें? वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी बतानी है कॉन की, वॉल्यूम ऑफ कॉन। क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 6 × 6 एंड हाइट 7, 7 से 7 कैंसल, 3 × 1 = 3, 2 = 2, तो 22 × 2 को 6 से किया, 6 × 2 = 12। अब 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24, 24 × 2 = 26, तो 264 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट कितनी होती है? सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ कौन क्या आ गया? 264 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है अब हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। हमें कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है इन लीटर में। रेडियस, एक कैनोनिकल वेसल दे रखा है, रेडियस ऑफ कैनोनिकल वेसल इक्वल में 7 सेंटीमीटर एंड स्लैनेट हाइट ऑफ कैनोनिकल वेसल इक्वल में 25 सेंटीमीटर। इसमें हमें क्या निकालना है? कैपेसिटी निकालनी है, मतलब कैनोनिकल वेसल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, जो कॉन के शेप का दे रखा है, कैनोनिकल वेसल है, उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 कांस्टेंट वैल्यू है, पाई की वैल्यू पता है हमें 22/7 और रेडियस भी 7 दे रखी है, बट वहाँ पे है एच और इन्होंने हमें क्या गिवन दिया हुआ है? स्लैनेट हाइट। तो पहले हमें इस फॉर्मूले से इसे क्या निकालनी पड़ेगी? इसकी हाइट निकालनी होगी। तो एल का स्क्वायर इक्वल में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल कितना गिवन है? 25, तो 25 का स्क्वायर एंड रेडियस 7 एंड प्लस में हाइट हमें फाइंड आउट करनी है 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस में एच का स्क्वायर। अब ये प्लस में यहाँ पे आके माइनस में, तो 625 माइनस में 49 और इक्वल में एच का स्क्वायर। करो यहाँ पे माइनस, क्या रह जाएगा हमारा? 576 और इक्वल में एच का स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ के क्या बन जाएगा? अंडर रूट, तो 576। ये आपका रूट होता है 24 का। तो यहाँ से हमारी हाइट क्या आ गई? 24 सेंटीमीटर। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ कैनोनिकल वेसल। क्या फॉर्मूला है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 7 × 7 एंड हाइट 24, ठीक है। 3 8 = 7 से 7 कैंसल, तो 22
मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 तो 154, 22 को 7 से करेंगे 154 और मल्टीप्लाई 8, अब यहाँ पे करो 8 फोर ज़ 32, 40, 40 और 3, ठीक है 43, 8 और 4, 12, तो ये आ गई हमारी सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड, तो ये कितना आ गई इसकी कैनोनिकल वेसल की कैपेसिटी कितनी आ गई 1.23 लीटर। और हमें लीटर में ही निकालनी थी कैनोनिकल वेसल की कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो क्या आ गया हमारा वॉल्यूम 1.232 लीटर। नेक्स्ट है अब हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द हाइट ऑफ द कॉन, हाइट ऑफ द कॉन कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी गिवन है इस बार हमें कॉन का, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल में 1570 सेंटीमीटर क्यूब। और इस क्वेश्चन में बोल रखा है जो पाई की वैल्यू यूज़ करनी है वो 3.14, इस वैल्यू का हमें यूज़ करना है। और क्या फाइंड आउट करनी है इसकी रेडियस ऑफ बेस, हमें क्या करना है कॉन का, कॉन की रेडियस निकालनी है, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है इसका क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसके इक्वल गिवन है 1570, 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस हमें निकालनी एंड हाइट 15 इक्वल में 1570, 3 1 3 5, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया आर का स्क्वायर, यहाँ कैंसिल ही कर देते हैं, पॉइंट हटा दें इसका, बाय में क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 5 1 5 2 0, ठीक है 5 2 10 और साथ में 0, अब 2 पे कैंसिल कर दें 10 और यहाँ पे 157 और इक्वल में 1570 आर का स्क्वायर इक्वल में 1570 है, यहाँ पे जाके पलट जाएगा, पहले लिख लो अगर लिखना है, तो यहाँ पे क्या बच गया 157/10, तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर क्या आ गया 1570 मल्टीप्लाई में इसे यहाँ पे आके पलट देंगे 10/157, अब ये कैंसिल हो गया 10 पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर क्या आ गया 10/10, तो आर स्क्वायर इक्वल में 100, अब हमें रेडियस चाहिए, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो स्क्वायर वहाँ जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के आगे प्लस या माइनस, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 10 सेंटीमीटर और एक माइनस का 10 सेंटीमीटर, और नेगेटिव कभी नहीं होती तो नेगेटिव वाली निगलेक्ट हो जाएगी, तो हमारी रेडियस ऑफ बेस क्या आ गया देयरफॉर रेडियस ऑफ बेस इज 10 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस ही फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन की, क्या आ गई वो हमारी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक तो हमें राइट सर्कुलर कॉन दे रखा है जिसकी हाइट गिवन है, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इक्वल में 9 सेंटीमीटर, और साथ में इसका वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इक्वल में 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो हमें पाई में दिया हुआ है। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, हमें क्या करना है इस राइट सर्कुलर कॉन के बेस का क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, तो हमें इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वो हमें गिवन कितना है 48 पाई 1/3, अब देखो यहाँ भी पाई यहाँ पे भी पाई, पाई की वैल्यू मत पुट करना वो वहाँ जाके कैंसिल ही हो जाएगा, पाई रहने दो, ठीक है। रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि रेडियस से ही डायमीटर आएगा, हम यहाँ से रेडियस निकालेंगे, एंड हाइट, हाइट कितनी दे रखी है 9 48 पाई 3 1 3 3 3, तो ये क्या बन गया 3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई यहाँ पे 3 और आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल में 48 पाई,
आर स्क्वायर की वैल्यू देनी हुई वो फाइंड आउट करेंगे, ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके डिवाइड में, पाई से पाई कैंसल, थ्री वन जा, यहाँ पे भी थ्री वन जा और थ्री सिक्स जा 16, तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर क्या आ गया, 16 आ गया। अब स्क्वायर यहाँ जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के आगे क्या लग जाता है, प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 4, तो r इज इक्वल टू 4 और r इज इक्वल टू माइनस 4, रेडियस नेगेटिव नहीं होती तो ये क्या हो जाएगा, निगलेक्ट, तो हमारी r की वैल्यू क्या आ गई, 4। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, d चाहिए, डायमीटर चाहिए, और डायमीटर रेडियस से कैसे होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो d इक्वल में 2r, तो 2 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर डायामीटर ऑफ द बेस इज 8 सेंटीमीटर, तो हमारा डायामीटर क्या आ गया, राइट सर्कुलर कॉन के बेस का 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, क्या दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन में, एक कैनोनिकल पिट दे रखी है जिसका डायामीटर गिवन है, डायामीटर ऑफ कैनोनिकल पिट इक्वल में 3.5 मीटर, तो यहाँ से हम पहले रेडियस ही निकाल लें क्योंकि यूज तो रेडियस का ही होगा, रेडियस ऑफ कैनोनिकल पिट इक्वल में 3.5/2 मीटर, और साथ में कह रखा है जो कैनोनिकल पिट है डिप है वो 12 मीटर है, मतलब उसकी हाइट हमें गिवन है, हाइट ऑफ कैनोनिकल पिट इक्वल में 12 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, हमें इसकी क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है, वो भी किस में निकालनी है, किलोलीटर में निकालनी है, ठीक है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कैनोनिकल पिट क्या फॉर्मूला होगा, कौन की शेप का है, तो 1/3, वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 35/2 मल्टीप्लाई 10, मैंने पॉइंट हटा दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई में एच 12। अब 7 1 7 5 जा, ठीक है, 5 1 5 2 जा, तो 3 1 3 4 जा, ठीक है, 2 1 2 2 जा 2, तो यहाँ पे क्या रह गया, 22 रह गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारी यहाँ पे, इसका वॉल्यूम आ गया। अब हमें रेडियस, डायमीटर था 3.5, रेडियस हमारी 3.5/2 और ये 12, तो यहाँ से कैंसिल होके क्या आ गई हमारी यहाँ से, वॉल्यूम आ गया 22 मीटर क्यूब। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, कैनोनिकल पिट का 1/3 पाई आर स्क्वायर है, और हमने एक ही आर की वैल्यू पुट करी है, यहाँ पे 2 आर की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, दोबारा से पुट कर देते हैं, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस कितनी है, 3.5/10 लगा देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में 35/2 × 10, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, एंड h की वैल्यू क्या है, 12। अब कैंसिल करो इसे, 7 1 7 5 3 1 3 4, ठीक है। अब देखो और क्या कैंसिल होगा, ये 2 पे कैंसिल हो गया 11, अब रह गया ये 5 1 5 2, और यहाँ पे भी 5 7 और ये 5 2, ठीक है, इसे भी काटो यहाँ पे, 2 1 2 2 2 1 2 2, तो क्या रह गया यहाँ पे हमारा, 11 × 7, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, और जो 1 cm³ आपका वॉल्यूम आगा किलोलीटर में, 1 cm³ इक्वल में 1 kL के ही इक्वल होता है ये आपका, ठीक है। तो जो यहाँ से आपका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम देखो एक यहाँ पे 11 भी बचा है और यहाँ पे एक 7 रह गया, ठीक है, तो 77 आपका क्या आ गया यहाँ से, वॉल्यूम। तो आप सेंटीमीटर क्यूब को किलोलीटर में लिख देना, क्योंकि 1 cm³ किसके इक्वल होता है, 1 kL के। नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इक्वल में 9856 सेंटीमीटर
क्यूब, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, डायमीटर, और जो डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकाल सकते हैं डायमीटर से, तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी 28/2, तो कितनी आ गई ये 14 सेंटीमीटर रेडियस आ गई यहाँ से। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हाइट निकालो, सेकंड में स्लैनेट हाइट, एंड थर्ड में कर्व्ड सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट में निकालनी है हाइट, सेकंड पार्ट में स्लैनेट हाइट, एंड थर्ड पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम गिवन है, रेडियस पता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr², तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एच निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल में 9856, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr² h। पाई की वैल्यू देख लो क्या यूज करनी है, एक बार पाई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोल रखा, तो मतलब पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे 22/7, तो 1/3 πr की वैल्यू 22/7, एंड रेडियस, रेडियस कितनी है 14 × 14, और हाइट हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 7 × 1 और 7 × 2, तो 9856, तो यहाँ से हमारा एच क्या आ गया 9856, जो डिवाइड में ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर दे रखा है वो नीचे आ जाएगा 22 × 2 × 14। आप यहाँ से काट पीट दोगे तो आपकी जो एच आ जाएगी वो आएगी 48 सेंटीमीटर, मतलब हमारी हाइट कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर। इसके बाद है आपका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें निकालनी है स्लैनेट हाइट। अब हमारे पास हाइट आई है 48 और हमें रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो हम स्लैनेट हाइट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एल का स्क्वायर इक्वल में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल हमें फाइंड आउट करनी है, रेडियस हमारी 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, ये हमारी हाइट, ठीक है। तो एल का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 एंड 48 का स्क्वायर 2304, तो यहाँ से एल स्क्वायर क्या आ गया 2500, ये स्क्वायर वहाँ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, और 2500 किसका स्क्वायर रूट होता है 50 का, तो हमारी यहाँ से स्लैनेट हाइट क्या आ गई 50 सेंटीमीटर। और थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है कौन के कर्व्ड सरफेस एरिया का, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, एंड रेडियस, रेडियस कितनी दी हुई है 14, और हमने स्लैनेट हाइट कितनी निकाली है 50, तो 14 × 50, तो 7 × 1 = 7 × 2, इसे कैंसिल 22 × 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 100, तो यहाँ से हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, काफ़ी बार एग्जाम में भी आया, ध्यान से देखना क्या दे रखा है। एक राइट सर्कुलर कौन दिया हुआ है, जिसका हमें वॉल्यूम गिवन है, डायमीटर दे रखा है बेस का, रेडियस डायमीटर की क्या होती है हाफ, तो 14 आ गया। फर्स्ट पार्ट में हाइट निकालनी है, सेकंड में स्लैनेट हाइट, एंड थर्ड में कर्व सरफेस एरिया। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr² h, 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 × 14, आर का स्क्वायर है, एच हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ से कट किया, इसे डिवाइड में लेके यहाँ काटोगे आप लोग तो आपकी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 48 सेंटीमीटर आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में स्लैंट हाइट निकालनी है, रेडियस गिवन है और हाइट हमने अभी निकाली है, तो हम स्लैनेट हाइट निकाल सकते हैं, एल का स्क्वायर इक्वल में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। वैल्यू पुट करी, स्क्वायर किया, प्लस किया, स्क्वायर यहाँ आके अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट क्या होता है 50, तो स्लैनेट हाइट क्या आ गई 50 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में कह रहा है कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन का क्या होता है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, एंड रेडियस 14, एंड स्लैनेट हाइट 50 अभी निकाली है, 7 पे कैंसिल 2, 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया 100, और 22 को 100 से किया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर।